पारंपरिक खेती से हटकर पूर्वांचल के किसान अब खेती में नए नए प्रयोग करने लगे हैं। नई तरह की खेती से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। ऐसे ही एक किसान हैं मऊ जिले के बैराटपुर के रहने वाले देवेंद्र राय। आईटीआई डिप्लोमा किए देवेंद्र राय जब एक कृषि अधिकारी के संपर्क में आए तो उन्हें पपीते की खेती करने की प्रेरणा मिली, जो काफ़ी फायदेमंद है। देवेंद्र राय ने बताया कि वो लगभग एक बीघे में पपीते की खेती किए हैं, जिससे उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। मन में आइडिया है कि कृषि विभाग के व्यक्ति थे और उन्होंने जो है उनसे मैं गया मिला तो उन्होंने कहा कि आप लोग, हम केले खेती कर रहे थे पहले से, तो उन्होंने कहा कि पपीते की खेती आप करिए, ये प्रॉफिटेबल है। तो मैं कहा कि प्रयोग कर लिया जा रहा है, तो प्रयोग के तौर पर मैं 2-3 साल थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन इस बार लार्जेस्ट स्केल पर किया, लगभग एक बीघे के आसपास ऊपर ही होगा। इसको करने में क्या करने पड़ता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। पौध इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पौधे को बचाना। जब हम नर्सरी से ले आकर पौधे लगाते हैं तो पौधे को बचाना सबसे, 1-2 महीने बहुत क्रिटिकल समय होता है इसका, और उस समय हमें भरपूर इस पर समय और मेहनत देना पड़ेगा, तब जाके ये पौधे बच जाते हैं। जब एक बार पौधा बच गया तो इसके बाद केवल हमें दवा मारनी है, हर 15 दिन पर एक छिड़काव हमें करना है, इसमें फंगस ना लगे, कीड़े ना लगें, ये मेन इसका ये है। और अगर ये हम करते रहेंगे तो ये बहुत प्रॉफिटेबल खेती है और बहुत बेहतर है। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं? मिट्टी तैयार वही ताई से 1-2 बार जुतवा देते हैं, फिर कल्टीवेटर चलवाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, 4-5 जुताई करने में मिट्टी बन जाती है। किस वैरायटी के हैं ये? रेड लेडी जी। क्या खासियत है इसकी? खासियत ये है कि इसके पौधे, इसके फल बहुत बड़े नहीं होंगे, पौधे भी बहुत बड़े नहीं होंगे, फल एक मिनिमम साइज अधिकतम 2 किलो, कम से कम 0.5 किलो। और ये जब छोटे साइज होते हैं तो मार्केटिंग इसकी अच्छी होती है, क्योंकि किसी को लेना है, अगर 5 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो का फल रहेगा तो अमूमन लोग ले नहीं पाते, वहाँ कास्टली चीज़ है, कास्टली फल है, तो छोटा साइज रहने से बिक्री इसकी अच्छी होती है। दूसरी चीज़ इसकी खासियत यह है कि मीठा बहुत होता है, आम पपीता जो मार्केट में है उसको आप खाइए और इसको खाइए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसमें स्वाद बहुत अच्छा है, इसका गुद्दा जो है लाल होता है। कितने एरिया में किए हैं? 1 बीघा। 1 बीघे में कितना लागत है? लगभग 1 लाख रुपए। और मुनाफा कितना होता है उसमें करने से? मुनाफा अगर कायदे से हो जाए तो मान के चलिए कि कम से कम 3-4 लाख रुपया मुनाफा हो सकता है, अगर सही से हो जाए तो। फायदेमंद है ये? निश्चित रूप से फायदेमंद है और हर तरह से ये है, लेकिन इसको बचाना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा इसकी खेती क्रिटिकल है। तो कैसे, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए बस देखभाल, हम अगर बराबर देखभाल करते रहें, जैसे बच्चे का पोषण होता है वैसे अगर इस पर, इसके पौधे का हम पोषण करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बचेगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कितने दिन की फसल है? यह लगभग 1.5 साल चलता है, एक बार लगाने पर 1.5 साल चलेगा, एक ही फल लिया जाता है, एक फल जैसे समाप्त हो जाएगा इसके बाद इसको हम 1.5 साल में एक ही फल इसका होता है? जी 1.5 साल में एक ही फल, यह 1-2 महीने के बाद फल चालू हो जाता है इसका, और 6 महीने बाद फल तैयार हो जाता है, पकने लगता है। यानी मतलब एक फल में कितनी बार फलता होगा ये? ये फरता जाता है ना, जो नीचे से फरेगा, तैयार होता रहेगा, ऊपर फरता चला जाएगा। इसका कोई ये तो है नहीं, फसल तो है नहीं कि एक बार फर गया और फिर काट लिया आप, ये नीचे से फल तैयार होता रहेगा, ऊपर फरता रहेगा। आप क्या करते हैं? यही किसानी करते हैं। और भी कुछ करते हैं? हाँ, और आरटीओ ऑफिस का काम करते हैं। जी, कितना पढ़े हैं? हम तो इंटर किए हैं, आईटीआई किए हैं।